business ideas. दोस्तों, अपने व्यवसाय को सुधारने का सबसे सही तरीका है कि उसे खुद बनाया जाए, क्योंकि अपने हाथों से किया हुआ कोई भी काम कभी विफल नहीं होता। और अगर आपको अपने बिजनेस को और बड़ा बनाना है और सशक्त बनाना है, उसके लिए कुछ नॉलेज की जरूरत है, तो हम है ना, शिल्पा भावना इज हियर विद योर वेरी ओन शो बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक ऐसा अधिकार है जो संविधान द्वारा हर उस नागरिक को दिया गया है जो कि नए नए आविष्कार करते हैं। फिर वो आविष्कार चाहे विज्ञान के एक क्षेत्र में हो, खेल के एक क्षेत्र में हो, या फिर हो कला के एक क्षेत्र में। और उस आविष्कार का इस्तेमाल अगर समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में करता है, तो आविष्कार करने वाले को एक नियमित अवधि तक उसकी रॉयल्टी जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन क्या भारत में रॉयल्टी का ये सिस्टम कारगर है? और अगर नहीं, तो क्या आविष्कार करने वालों के साथ ये नाइंसाफी नहीं है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए बुला लेते हैं उन्हीं को जो कि हमेशा अपनी बिजनेस नॉलेज से हमारे प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाते हैं। प्लीज वेलकम द फिलैंथ्रोपिस्ट, द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज हैव अ सीट। सर, सबसे पहले तो एक ही चीज जहन में आती है, क्या ये जायज है कि एक कलाकार पहले तो पूरी मेहनत करे समाज को कुछ नया देने के लिए, समाज को कुछ मनोरंजक देने के लिए, उसके बाद जब वो चीज बन जाती है तो उसके बाद सभी को उसका फायदा मिलता है सिवाय उस आर्टिस्ट के जिसने इसे बनाया है, क्या ये जायज है? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि हमारे संविधान में जो भी ये करता है उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उस पर होता है। जो भी कलाकार किसी तरह का कोई एक नया काम कुछ करता है, जो बनाता है, जो बनाता है, जैसे कोई किताब लिखता है मान लीजिए, तो ऑथर का राइट होता है। कोई गाना गाता है मान लो, तो उसका राइट है जिसने गाना गाया है। इसी प्रकार से कोई पेटेंट डेवलप करता है, कुछ भी करते हैं, तो आपका उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। उसको जब भी दोबारा गाया जाएगा या बजाया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसमें आपको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ये हमारे देश का कानून है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर पहचानना जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग है। कई बार ये एक कराना पड़ता है कॉपीराइट, कई बार ट्रेडमार्क कराना पड़ता है, कई बार दोनों कराने पड़ते हैं। तो कॉपीराइट का मतलब हो गया कि यदि आप किसी चीज के ऑथर हैं तो आपका कॉपीराइट हो गया। आपने कोई गाना गाया है तो आपका उस पर कॉपीराइट हो गया जी। और ट्रेडमार्क होता है यदि मान लीजिए आपने अपनी कोई कंपनी बनाई है, अपना कोई बिजनेस चालू किया है, किसी भी तरह का बिजनेस, उसमें आपने एक लोगो बना दिया अपना जी, लोगो बना दिया, कोई सिंबल बना दिया, सिंबल बना दिया, कोई टैगलाइन बना दिया आपने अपनी, तो वो आपका ट्रेडमार्क हो गया, जो प्रोडक्ट की या सर्विस की पहचान है। जब हमने ऐसा कुछ बनाया तो उसको तो ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है हमारी कंट्री में, वो उसको देखती है। लेकिन जब कॉपीराइट की बात आती है, हमने कोई गाना गाया या हमने कोई किताब लिखी, तो उसमें जिसने लिखे, जो उसका ऑथर है, वो उसका रजिस्ट्रेशन कराता है कॉपीराइट में। लेकिन कॉपीराइट में एक मजे की बात है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो भी आप उसके मालिक रहेंगे। उसके 50 साल तक आपका उसके ऊपर राइट रहता है। रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है। कॉपीराइट की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें आपको ऑनलाइन ही, जैसे सब चीजों का रजिस्ट्रेशन आजकल ऑनलाइन है, तो इसका रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन है। आपको अपने जो भी कंपोज किया है, जो भी कुछ किया है, उसकी एक सीडी बनानी पड़ती है दो कॉपी में, और कुछ और फॉर्मेलिटीज हैं, वो सब सबमिट करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है जी। जो कॉपीराइट एक्ट जो हमारे देश में आज है, उसके मुताबिक जो धुन जिसने बनाई है, जो गाना जिसने गाया है, उसको उसकी रॉयल्टी मिलनी ही चाहिए, उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे देश के जो कलाकार हैं फेस भी कर रहे हैं, इसलिए आज हमने एक ऐसे कलाकार को बुलाया जिनसे हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो शुड वी इनवाइट हर? श्योर। दोस्तों, आपको बता दें कि आज जो मेहमान हमारे स्टूडियो में आ रही हैं, आपने 15 साल की छोटी सी उम्र से नए नए आविष्कार करने शुरू किए, लेकिन वो आविष्कार थे संगीत की दुनिया में। जब लोग धुने बनाया करते थे, तब आप रैप गाया करती थी, रैप बनाया करती थी, और आज वो रैप सिंगिंग हम सभी के मनोरंजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। शी इज द वन हु प्रूव्ड इट टू सोसाइटी। प्लीज वेलकम द रेनाउंड बॉलीवुड रैप सिंगर हार्ड कौर। कैसे हैं आप? प्लीज बैठे। So, हार्ड कौर जी,
द फर्स्ट फीमेल रैप सिंगर एक्सेलिंग इन इंडिया, हाउ डज इट फील? इट फील्स ब्रिलियंट, इट फील्स वेरी गुड. मैंने ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए मुझे जी म्यूजिक करते को, सो इट्स अ नाइस फीलिंग जब लोग प्यार देते हैं एंड गर्ल पावर. बिल्कुल, बहुत अच्छा है. When you entered in India, तो बड़े धमाके के साथ आपकी भारत में एंट्री हुई थी with Move Your Body, yes. जो आपका सॉन्ग है उसके साथ. लेकिन वो कौन सा लम्हा था अगर मैं आपसे पूछूं जब तरन कौर ढिल्लों हार्ड कौर बन गई? उसकी रीजन काफ़ी हैं. 95 में मैंने शुरू किया था, मैंने अपना पहला रिलीज किया था 1996 में, मैं आई थिंक 15 साल की थी. एंड मुझे बस प्रेम हो गया था हिप हॉप म्यूजिक के साथ, इस टेक्निक के साथ, इस वोकल टेक्निक के साथ. और मुझे सबने बोला कि अरे तुम तो इंडियन हो, तुम्हें ये म्यूजिक नहीं करना चाहिए. तो मुझे और भी मतलब आग लगी कि ये तो करना ही है. और मैं काफ़ी लोगों को एजुकेट करना चाहती थी हिप हॉप के बारे. सो बस फुल सपोर्ट थी मेरी मम्मी से और मैंने शुरू कर दिया. एंड पहले मैंने अपना आर्ट को मास्टर किया, अच्छी तरह सीखा, लिखना शुरू किया. क्योंकि आप किसी स्कूल में जाके सिंगिंग सीख सकते हो, आप रैप कहीं जाके नहीं सीखते, आपको खुद सीखना पड़ता है. सो इट्स अ स्ट्रीट लैंग्वेज. तो ये मैंने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस किया क्योंकि मैं एक नॉवल्टी आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती थी. यू हैव टू लर्न कि आप क्या कर रहे हो, तो आप लोगों को कैसे सिखा सकते हो. तो मैंने पूरी प्रैक्टिस की एंड फिर मैंने इवेंचुअली सिंगल्स निकालने शुरू किए. फिर एक गाना आया गलासी जी, और गलासी इतना बड़ा हिट हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा हिट होगा. सो फिर यूके से फिर वो इंडिया में हिट हो गया. और फिर मैं इंडिया इधर आई. मैं तो वैसे 2-3 शोज करने आई थी. गाना इतना हिट हो गया, उसके बाद एक और गाना आया, फिर एक और ऑफर आई, फिर एक और ऑफर आई. उसके बाद 9 years लेटर आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू. But it's really great, I must tell you. लेकिन कुछ है जो हम आपके साथ बांटना चाहेंगे, आपके साथ भी. Please have a look. बहुत से well known actress, actors, ये सब life in distress जी रहे हैं. उनकी old age बहुत हालत ख़राब है और उसकी वजह से एक उनकी इमेज यानी ख़राब हो रही है. लोगों को तक ये संदेश जा रहा है कि सेलिब्रिटी अगर एक एज के बाद काम नहीं करता है तो ऐसे ही वो बेकार हो गया. जैसे जैसे आपके पास पैसा आना लगता है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जाता है और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आपको एक रकम की ज़रूरत होती है. उनका एक स्पेसिफिक लाइफ, एक स्पैन होता है कि वो वही स्पैन में चलता है उनका बिजनेस. बट देन आफ्टर अ सर्टन स्टेज दे हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट. उन्होंने अगर शुरू से फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर किया तो मेरे हिसाब से ये दिक्कत आएगी नहीं जैसे अपन हम बात कर रहे हैं. और वो अगर उनका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो अगर वो बिजनेस में डालते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं. उसके लिए प्रॉपर शुरू से ही उन्होंने प्लानिंग करनी चाहिए. सेलिब्रिटी को यह बहुत ज़रूरी है कि अगर वो पीक ऑफ हिज करियर है तो फाइनेंशियल प्लान करें, प्रोफेशन प्लान करें अपना, और हो सके तो अपना बिजनेस कॉर्पोरेटाइज करें, जिससे ये हो सकता है कि उसे अकेले इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल पूरे जिंदगी काम नहीं करना पड़े. सो यू अग्री कि इनसिक्योरिटी है और एक लाइफ स्पैन होता है और आप लोगों को भी या हम लोगों को जो हमारी एक कलाकारी है उसको आगे जाके कॉर्पोरेटराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी. यू अग्री विद दैट? या अग्री. आई मीन मैं कितनी देर तक स्टेज पे परफॉर्म करूँगी? इवेंचुअली द बॉडी विल गिव अप. सो उसके लिए आपको दूसरी चीज़ों में सेटिंग करनी बहुत ज़रूरी है. इतनी नॉलेज, इतनी एक्सपीरियंस जो है, आप जब कुछ बनते हो कितना टाइम लगता है. बिल्कुल. उस एक्सपीरियंस में आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो. अब अगर मैं रैप करती हूँ, इसके बाद मैं अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गई हूँ, तो उसमें मुझे मतलब सुंदर लगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टूडियो में बैठ के अपना म्यूजिक दे सकती हूँ. सर आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग, तो कहा जा रहा था फाइनेंशियल प्लानिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्टिस्ट. आज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, अभी आप पिछले अपने 9 साल के करियर पे अगर नज़र डालते हैं तो यू फील वेरी मच एक्साइटेड. लेकिन अगर हम शायद आगे के 9 साल देखें तो डर लगता है. तो यू अग्री विद दैट फाइनेंशियल प्लानिंग? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बल्कि इसमें मैं कुछ ऐड भी करूंगा. फाइनेंशियल प्लानिंग दो तरीके से करनी जरूरी है. कि एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है कि जो आपके पास फंड्स हैं उनका कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाए जिससे कि आपको रिटर्न ज्यादा आए जी. दूसरी बात है कि जो आपका टैलेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बलबूते पे आप टॉप पे हैं, उस टैलेंट को इस्तेमाल करके आपको अपना कोई ना कोई बिजनेस या प्रोफेशन भी शुरू करना चाहिए. मैं इससे भी इंपॉर्टेंट बात कहूंगा कि जो आपके अंदर हुनर है उसको आपने लोगों तक पहुंचाना है.
जैसे अभी आपने एक बात कही कि अगर सिंगिंग सीखनी है तो आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख सकते हो, रैप आप सीख नहीं सकते हो, तो क्यों नहीं आप सिखा देते लोगों को? मे बी मैं इंस्टीट्यूट शुरू कर सकता हूँ। यस, वही मैंने कहा कि जो आपके अंदर हुनर है, यदि आपने वो समाज को सिखाया तो उसके समाज को बहुत फायदे हैं, देश को बहुत फायदे हैं, आपको भी फायदा है। आपका एक इंस्टीट्यूशन खड़ा होगा जिससे आप सारी उम्र, जो आपके नाम से सारी उम्र चल सकता है, जिसके कि हम फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं पूरे देश में, ऐसे इंस्टीट्यूशन की छोटे फ्रेंचाइजी हो सकते हैं जिसमें आप ऑनलाइन जाके और टू वे कम्युनिकेशन से आप उन सब लोगों को ट्रेन कर सकती हैं। हार्डकोर जी, अगर कोई व्यक्ति या कोई हमारे ऐसे बच्चे हैं जो अब इस रैप की इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको पहचान के उनको लगे कि हाँ ठीक है, नाउ आई कैन गो टूवर्ड्स दिस इंडस्ट्री, मुझे भी रैप सिंगर बनना, मैं बन सकता हूँ? आई थिंक मेन थिंग ये है कि आपको आप रिसर्च कर सकते हैं। हमारे एक टाइम पे इंटरनेट नहीं होता था, अब आप सारी पढ़ाई इंटरनेट पे कर सकते हैं। एंड प्लस जैसे हमने कहा कि एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। एक टाइम होता था कि रिकॉर्ड कंपनी कहती थी आपका सीडी नहीं बिका तो उसके पैसे ही नहीं है। अब यूट्यूब वगैरह चीजें, एवरीथिंग इज मॉनिटर्ड, एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स, तो कोई आपको मतलब बेवकूफ नहीं बना सकता। तो आप इंटरनेट पे भी जाके काफी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन मेरा ये सजेशन होगा कि पहले आप ये सीखो एटलीस्ट रैप कब शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ, किस जगह पे शुरू हुआ, कितने आर्टिस्ट थे, हु वाज द फर्स्ट मेल रैपर, हु वाज द फर्स्ट फीमेल रैपर, उन्होंने कौन से एल्बम्स निकाले, उन गानों का नाम क्या है। सो हर एक चीज के बारे आप रिसर्च कर सकते हैं। बाकी मेन थिंग होती है कि आप प्रैक्टिस करो, ओरिजिनलिटी निकालो, तो क्योंकि रैप में ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है। यू कांट साउंड लाइक एनीवन एल्स। जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।